सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गेमर्स ग्रुप पर। तो मैं लेके आ चुका हूं नई वीडियो। मुझे पता है मैं बहुत दिन बाद वीडियो लेके आया हूं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बट कोई नहीं यार, इतना एडजस्ट कर लिया जाता है क्योंकि अब हम लोग बहुत ही बड़े मिशन पे निकले हैं जो कि एलाइट फोर को डिफीट करना। तो ये मेरा उसका पहला मिशन होने वाला है। मेरे को चार एलाइट फोर में से एटलीस्ट मैं इस वीडियो के अंदर मैं दो एलाइट फोर को डिफीट करूंगा क्योंकि आप लोग जानते हो यार, एलाइट फोर जो है ना, उनसे अगर बैटल करता हूं तो पहली बात बैटल बहुत हार्ड होने वाला है, जिसकी वजह से टाइम काफी ज्यादा लेने वाला है ये। और मैं वीडियो को इतने लंबी वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ क्योंकि आजकल वैसे भी शॉर्ट्स का जमाना चल रहा है, तो वैसे भी ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनानी चाहिए। तो मैं 10 मिनट्स के अंदर में दो एलाइट फोर हराने की कोशिश करूँगा, तो मुझे उम्मीद है कि मैं कर लूँगा। तो मैं सबसे पहले आपको ऐसे पोकेमॉन दिखा देता हूँ जो एलाइट फोर को धूल चटाने वाले हैं बुरी तरह से। तो आइए मैं आपको अपनी पोकेमॉन टीम बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास एक रायचू है जो कि 75 लेवल पर है। जी हाँ, मैंने बहुत ट्रेन किया इसको, आप लोग समझ नहीं सकते। 75 लेवल पर मेरा रायचू है, 49 लेवल पर मेरा माचौक है जिसे कि मैंने यहीं विक्ट्री रोड की साइड पर पकड़ा था। और यहाँ पे मेरे पास 52 लेवल का गोल्ड डक है और 58 लेवल का वीनस और है, 50 लेवल का आर्कनाइन और 48 लेवल का पेजोट। एटलीस्ट मेरे सारे पोकेमॉन 50 तक हैं। तो मैं यहाँ पे दिखाया तो मेरे आर्कनाइन के पास किस तरह के कटाएंगे क्योंकि ये आपने इस पर लास्ट बार देखा होगा। तो ये जो है 35 लेवल का था। तो अब इसका जो है ना, देखो इसका जो अटैक, इसका ओवर हीट है, फायर ब्लास्ट है, एक्सट्रीम स्पीड है, फ्लेम व्हील है। इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छे अटैक है। तो बताया तो पहला जो इलाइट फोर का ट्रेनर होने वाला है आइस टाइप होने वाला है। तो इससे पहले कि हम इसको चैलेंज करें इलाइट फोर को, तो आपको पता ही है अगर मैं 6 पोकेमॉन लेके 5 ट्रेनर से लड़ने जाता हूँ जिनका 6 पोकेमॉन है, तो काफ़ी ज़्यादा पोशंस वगैरह की जरूरत पड़ेगी। तो आपको दिखा देता हूँ मैंने सारे पैसे खर्च करके क्या खरीदे। 22 मैक्स पोशन खरीदे मैंने, 28 फुल हील खरीदे जो कि किसी भी तरीके की बीमारी को किसी भी तरीके की बीमारी को मिटाने में काम आते हैं। और तो मैंने रिवाइव भी खरीदे थे, फुल स्टोर मेरे पास 7 हैं और रिवाइव मेरे पास 33 है, ये काफ़ी अच्छी बात है। और हाइपर पोशन मेरे पास 30 हैं और मेरे पास प्रेजेंट टाइम में जो मनी है वो है मेरा 0। इतना दुख सहन जाता मुझसे, लेकिन कोई नहीं, मैंने सारा इसलिए खत्म कर दिया ना क्योंकि मैं बहुत बार एट फोर से लड़ा तो यार मेरा बहुत पैसा छीन लिया था लोगों ने, तो इसलिए मैंने सोचा सारा खत्म करके जाता हूँ। इसी चक्कर मेरा रायचू जो है वो 75 लेवल तक पहुँच गया। तो चलो मैं आपको आज की इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ। अब टाइम देखो मैं रायचू को फर्स्ट लेवल पर रख देता हूँ, यहाँ पे जो ना अंदर आइस टाइप पोकेमॉन होने वाले हैं तो फायर टाइप में जानते हो ताकत तो पड़ेगा, लेकिन उनको सर्फ जैसे अटैक भी होते हैं जो कि वाटर टाइप अटैक है जो कि मेरे आर्कनाइन बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकते हैं। तो ग्रास टाइप पोकेमॉन तो कमजोर होता है तो उसका कोई काम नहीं। तो ये है भाई लोरेली, नो वन कैन बेस्ट मी व्हेन इट कम्स टू आइसी पोकेमॉन, फ्रीजिंग मूव्स आर पावरफुल, योर पोकेमॉन विल बी एट माय मर्सी व्हेन दे आर फ्रोजन सॉलिड, हा हा हा, आर यू रेडी। अरे ऐसे लग रहा है ये कोई बहुत बड़ी महारानी है जैसे कोई नहीं हरा सकता, लेकिन हमने अच्छा अच्छा घमंड तोड़ा है, हम पिछले 8 जिम लीडर्स की अच्छी तैसी करके यहाँ तक आए हैं। हम कोई यहाँ पे हलवा करने नहीं आए हैं, जो हम इनके 52 लेवल के ड्यूगोंग से मेरा 75 लेवल का रायचू हार जाएगा। तो भाई चेंज जो है ना वो जीवन का नींब है, बेस है। तो हमारे रायचू ही बहुत से चेंजेस आए, हमारे रायचू ने भी काफ़ी अच्छे अटैक सीखे हैं। तो उनमें से कुछ अटैक मैं आपको दिखाई देता हूँ आखिरकार। तो यहाँ पर रुको एक सेकंड, इसने प्रोटेक्ट कर लिया खुद को। हाँ अरे कितना प्रोटेक्ट करोगे जब जिसके भविष्य में जो लिखा है उसके साथ होना ही है, तो प्रोटेक्ट करने का कोई फायदा नहीं है। तो भाई लोग मैं जीवन में खेलो उसके सबसे बड़ा फायदा यह है, अगर गेम में आउट भी हो जाता हूँ तो मैं रीसेव नहीं करूँगा, मतलब सेव नहीं करूँगा, मैं डाउन सेव करके दोबारा फास्ट पोजीशन में पहुँचता हूँ। ये मेरे को काफ़ी अच्छी बात लगी है यहाँ पे। तो मेरे को इससे हारने कोई चांस ही नहीं बनता, मैं इसे काफ़ी बार लड़ा हूँ, मेरे को पता है कौन कौन सा अटैक। और थंडर बोल्ट तो चमत्कारी अटैक है पूरे लाइट फोर को ऐसे तैसे मारने के लिए। तो अगर आप भी अभी गेम खेलना स्टार्ट करो, मैं आपसे ये कहूँगा पिकाचू पकड़ लो भाई लोग, पिकाचू पकड़ लो, ये पिकाचू को बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। अगर आप उसको रायचू में वॉल करते हो, अगर रायचू में वॉल नहीं भी करते तब भी बहुत ज़्यादा मदद करेगा आपको ये। तो देख सकते हो लैप्रेस भी पूरी खत्म, एक अटैक में सारे पोकेमॉन खत्म हो जा रहे हैं। यहाँ पे जिंक्स आया वाला, इससे थोड़ा अच्छे से निपटना पड़ता है क्योंकि जिंक्स जो है ना बहुत गंदा पोकेमॉन है। इसका लवली किस कोई अटैक होते हैं ऐसे, लवली किस अट्रैक्ट ऐसे ऐसे अटैक मारती है तो पोकेमॉन का भी दिमाग फिर जाता है। तो ये भाई मैंने अब क्यों इस्तेमाल किया अर्कनाइन, क्योंकि भाई लोग ये जो है ना ये आइस टाइप पोकेमॉन है ये कर सकती सर्फ, लेकिन मैंने इसका अट्रैक्ट है, लवली किस है, आइस पंच है और जो एक अटैक होगा इसका कोई सा मुझे लगता है वाटर टाइप मूव होगा, इसलिए मैंने इतना डरा भी नहीं। और ये मुझे आइस टाइप ही लगती है। $5400 मैं जीत ला पोके डॉलर। तो यहाँ पे मैं आगे चलता हूँ, तो रुको रुको एक सेकंड मैं गेम सेव करके लेता हूँ एक बार। तो मैंने गेम सेव किया, अब मैं इसे दोबारा फाइट लेता हूँ। तो मैं रुको, ये रॉक टाइप पोकेमॉन ट्रेनर, इससे फाइटिंग टाइप भी होंगे थोड़े बाद। तो मैं यहाँ पे अपने जो है ना विनसोर को रखता हूँ। अब उस चीज़ मैंने गोल्डक को क्यों नहीं रखा, तो मैं आगे बताऊँगा आपसे कोई गोल्डक के बारे में भी। तो यहाँ पे रुको
तो हाँ ये रहा ब्रूनो नाम है इसका। ब्रूनो काफ़ी बार एक बार ऐश से मिला भी था, तो ऐश की मॉम ने इसको बताया था कि ब्रूनो काफ़ी अच्छा ट्रेनर है, तो ऐश ने इससे मिलने की इच्छा भी जारी की, तो पहाड़ वहाड़ की तरफ भी गया था। देखा इतना पोकेमॉन मैंने देखा है, मेरे को पता है इतना 51 लेवल का ऑनिक्स था, एक पत्तों में उड़ा दिया यार। मतलब पत्थर कौन सा पत्थर होता है जो पत्तों से कट जाता है, मेरे को तक समझ नहीं आया। तो इन्हें क्या सोच के ग्रास टाइप को रॉक टाइप से ताकतवर बना दिया। जब मेरा विनोसोर कभी कभार अंधा हो जाता है तो उसका स्लीप पाउडर ज़्यादातर बाहर लगता नहीं है, लेकिन जब लगता है तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो ये टुक सोलर बीम, सोलर बीम में पहला तो मैंने इसको सोलर बीम सिखाया है अपने आर्कनाइन को, मैंने फायर ब्लास्ट हाँ ओवर हीट ये सब मैंने टीएम से सिखाया उसे। और जहाँ तक मैं बता देता हूँ मेरा वो क्या कहते हैं रायचू, उसे थंडरबोल्ट मैंने शायद पकड़ाया था कि उसने खुद सीखा था, इतना मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन कोई नहीं उसको सोलर बीम मैंने सिखाया है। और जो हाइपर बीम मैंने जब जितने पोकेमॉन के पास है उन सबको मैंने खुद ही सिखाया, अगला हिटमॉन ली आने वाला है उसके लिए मैं रायचू रख लेता हूँ, यही सही रहेगा। हिटमॉन ली आएगा, मैंने कोई ध्यान नहीं दिया तो ना, हाँ तो हिटमॉन ली आएगा इसके लिए थंडरबोल्ट चमत्कार ही एक तरह से देख सकते हो आप लोग। जैसे मेगा किक करना तो भाई सब पहले उसका मेगा किक खेल गया। देखो मुझसे ज़्यादा ना ये लोग फुल रिस्टोर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्हें कहते हैं इलाइट फोर, महान इलाइट फोर। तो कोई नहीं, मुझे पता है तुम लोग करो भाई, तुमको देखो ऑनिक्स भेज देगा, ये बहुत चतुराई दिखा रहा है मेरे सामने। एक सेकंड रुको, वैसे मेरा पिकाचू भी ऑनिक्स को मार सकता है, आपको पता है मेरे पिकाचू का सस्मिक टॉस काफ़ी ताकतवर है। छोटे मोटे भूकंपों से मेरा बिनसोर आज तक नहीं गिरा, क्योंकि उसका चार पैर है, चार। तो वह लोग इन पर काफ़ी हंसी आ रही, लाइट फोर घंटा भर के आए, वैसे ऐसे इतनी बुरी तरह पिट रहे हैं। और मेरे को चैंपियन को भी हराने वाला है, और मेरा रायचू 70, मेरे को लगता है ना इलाइट फोर खत्म करते करते मेरा पिकाचू 99 लेवल पर ना पहुँच जाए। मैं चैंप दोबारा रायचू को बुलाओ। अब लोग आप लोग सोच रहे हो मैं बिनसोर रायचू को इतना इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वह लोग देखो मैं एडवांटेज लेके खेलता हूँ, तो इसीलिए मैं इसका ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ इस समय में। आगे चल के मैं और भी पोकेमॉन का इस्तेमाल करूँगा, जिनका मैंने जितना एक्सपीरियंस लिया उतने के हिसाब से मैं उसका ट्राई करूँगा। ठीक बल्क अप, अब इसको कोई चांस नहीं मैंने देने वाला, बस इसका जो मास्टर है क्या कहते हैं उसे एयर फोर का ट्रेनर, शॉक वेव पूरी तरह से मर जाए तो सही है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा मेरे को। चलो 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 इसका एक बंटा गिर गया। अब आएगा हिटमॉन ली, मेरे को कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए एक थंडरबोल्ट शॉक वेव भी, चलो शॉक वेव भी चमत्कार है उसके लिए। ओह इतनी खुशी, मेरे पिकाचू को थंडरबोल्ट कम पड़ा था, उसका इलेक्ट्रिक मूव्स की काफ़ी जरूरत थी यहाँ पे, तो मैंने भी इसको शॉक वेव भी सिखाया मैंने। तो भाई लोग 7 मिनट की वीडियो है, आप लोग क्या कहते हो मैं अगाथा को आ रहा हूँ कि नहीं। अगाथा जो है पोइजन टाइप पोकेमॉन ट्रेनर है थर्ड लेवल की, चलो अगर अगाथा से भी मिलजुल लेते हैं थोड़ा बहुत, तो अगर हार गए तो देखो मैं बताऊँ पहले पोकेमॉन की सारी हालत ठीक है। तो उसका पहला पोकेमॉन आई थिंक गेंगार होगा, क्योंकि मैंने जहाँ तक गूगल पे देखा था, तो मैं गेंगार के लिए आर्कनाइन रोक देता हूँ। तो आप फाइट लेते हैं इससे, देखते हैं जीत पाएंगे कि नहीं। वैसे इससे जितना मेरे को थोड़ा टफ लगता है, क्योंकि पॉइजन टाइप ट्रेनर है, तो काफ़ी मेरे को टक्कर भी देती है, सारे पोकेमॉन पॉइजन कर देती है। और घोस्ट टाइप भी पोकेमॉन, पता नहीं पॉइजन टाइप के नाम पे क्या क्या रख लेते हैं लोग। तो रुको रुको रुको, ओवर हीट मारते हैं, ओवर हीट और फ्ले फायर ब्लास्ट, 5-5 DPS 10 अटैक हुआ, और 20 जो इसका फ्लेम व्हील है, 40 फायर अटैक है इसका। अगर फ्लेम थ्रोर आ जाता ना तो एकदम जन्नत वाला सीन हो जाता एकदम। लेकिन कोई नहीं, भगवान ने जितना नसीब में दे उतने में खुश रहते हैं, और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते रहते हैं। गोलबैट आएगा अगला पोकेमॉन, तो जानते ही हो बहुत ज़रूरत है थंडरबोल्ट की, मैंने आपसे क्या कहा था। तो ये देखो यही थंडरबोल्ट की जरूरत पड़ती है मेरे को, देखो। और थंडरबोल्ट क्या चमत्कारी अटैक है यार, एक बार में वालों पोकेमॉन बंटा घेर है, बंटा तो दोबारा पोकेमॉन उठता नहीं है। आर्वोक आएगा, तो आर्वोक भाई लोग बहुत पोजनस पोकेमॉन, इसलिए मैं बिनासोर मेरे ग्रास और पॉइजन टाइप पोकेमॉन है, तो इस पर कोई इतना असर नहीं होता। रुको सबसे पहले मैं स्लीप पाउडर मारता हूँ इस पर, क्योंकि तो पोकेमॉन जब तक सोया नहीं है ना तब तक बहुत तबाही मचाता है। हाँ खोल के सोया है, देखो कैसे छुटिया पोकेमॉन है। रुको हाइपर बीम मारता हूँ, आई थिंक हाइपर बीम वर्क करेगा, मस्ट रिचार्ज लेगा इसका एक बार। मुझे पोकेमॉन सोया रहता है मेरे को काफ़ी डर लगता है, क्योंकि कभी भी जग सकता है वो। सोलर बीम मारता हूँ मैं, टोकन सेलेक्ट करेगा एक बार फास्ट स्लीप, वाह बस अब आई थिंक मर जाए सोलर बीम से। ओ नो जग्गेस लजबो मारेगा एक पक्का बात है। अब रुको एक सेकंड, मेरे को थोड़ा सब्र से काम लेना पड़ेगा भाई, हाइपर बीम उसका खेल खत्म। अब मेरा विनोसोर फेंटेड भी नहीं हुआ, मेरा विनोसोर, मेरे को इतनी खुशी हो रही है, इतना हॉन्टर इस्तेमाल करने वाला है ये। कंट्रोल कंट्रोल पिकाचू, अब सोचो मैं कितना पागल बंदा हूँ, मैं पिकाचू को ही ट्रेन किया जा रहा हूँ, मैं पता है मैं, लेकिन मैं बस किसी तरह ख़त्म करना चाहता हूँ ये गेम में, और नहीं खेलना चाहता इसको, क्योंकि मैं इतना ट्रेनिंग किया हूँ ना इसमें। अपने आर्कनाइन को मैं 30-40-50-100 पोकेमॉन मार के मैं 50 लेवल तक पहुँचाया हूँ। अगला पोकेमॉन कौन सा आएगा इसके, मैं बात बात में ध्यान नहीं दिया यार। आर्कनाइन आएगा, गेंगार आएगा अगला ना, एक सेकेंड रुको,
थोड़ा सा मजा लेता हूँ मैं, थोड़ा मजा लेना भी जिंदगी में जरूरी है। अब देखता हूँ क्या होता है। ओह देखते हैं क्या होता है, मेरे को अटैक करता है कि नहीं, क्योंकि मैंने इस पर अटैक जो मारा है। हाँ, मत करिए अटैक। ओह इतना मजा अटैक नहीं किया इसने, काफ़ी ज़्यादा मेरे को अच्छा लगा। तो आप लोग चिंता मत करो, मैं चारों लड़पुर स्टूडेंट में जाने वाला हूँ, मैंने 3 हरा दिए लगभग। तो मैं जानता हूँ मैंने अपनी बात से थोड़ा हट गया, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी बात कोई पत्थर के लगे नहीं होती। तो 55,800 रुपीज़ मैंने ऐसे भी जीत लिए हैं। तो भाई लोग यहाँ पे भी हम एक बार गेम को सेव कर देते हैं। तो आप लोग कैसा लगा तुम्हारे भाई का पोकेमॉन और पोकेमॉन बैटल, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तुम्हारा भाई जानते हो, तुम्हारा भाई थोड़ा मेहनत कर रहा है, तो यूट्यूब भी थोड़ा उसका समर्थन दो। देखो मेरे पोकेमॉन क्या क्या कम हुआ, देखो मेरे विनसोर का हाफ HP हो गया बस, बाकी किसी फोन पोकेमॉन को तनक सा भी चोट नहीं लगा, क्योंकि मैंने 3 पोकेमॉन का तो इस्तेमाल ही नहीं किया, जो गोल्डन माचोक और पिजियोट और आर्केनाइन रायचू और विनसोर का मैंने इस्तेमाल किया है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आगे कौन से पोकेमॉन ट्रेनर आने वाला है। आगे आने वाला है लेंस, जो कि ड्रैगन टाइप पोकेमॉन ट्रेनर है। तो यहाँ पे आप लेंस को भी देख सकते हो। चलो इसको भी मैं एक बार हराने की कोशिश कर लेता हूँ लेंस को, उसके लिए मेरे को थोड़ा पोशन वोशन मारना पड़ेगा। तो ये मैं भाई लोग ऐसे ही हराने की एक बार कोशिश कर रहा हूँ, तो उसको हाइपर पोशन में एक बार मार के देखता हूँ उसको। तो वैसे 5 मिनट की वीडियो हमारी और बची हुई आई थिंक, तो इस पर एक बार हाइपर पोशन मारता हूँ। चलो जी अब मैं बता रहा हूँ, उसका पहला पोकेमॉन शायद से कोई वहाँ गैराडोस उसका पहला पोकेमॉन। तो मेरे को रुको एक सेकंड रुको, पोकेमॉन चेंज करता हूँ मैं, रायचू रखता हूँ, क्योंकि रेडोस जो है ना वाटर टाइप पोकेमॉन है, उस पर 100 वोल्ट काफ़ी अटैक वर्क करेगा। तो ये देखो ड्रैगन्स आर कैच एंड अनडिस्ट्रक्टिबल। तो ये मैं इससे बैटल ऐसी लड़ रहा हूँ, अगर मैं हारता हूँ तो मैं डोंट सेव कर दूंगा, क्योंकि आपको पता है अगर हार गया तो मैं दोबारा मेरे को 3 से लड़के आना पड़ेगा। तो यहाँ पे थंडरबोल्ट ही करते हैं यार, अगर बच गया तो फिर फुल रिस्टोर का बहुत झंझट होता है आजकल इसमें। तो यहाँ पे हाँ मेरा ये जो गैराडोस है वो भी खत्म, मतलब उसका जो गैराडोस वो भी खत्म हो गया है। अगला पोकेमॉन ड्रैगनर है यस। अब मैं यहाँ पे गोल्डक को बुलाता हूँ, देखता हूँ गोल्डक क्या कर लेगा, क्योंकि जहाँ तक ड्रैगनर के पास खिलाफ आइस टाइप अटैक काम करता है, और ब्लिजार्ड जिस बात का मुझको डर था वही हुआ है, वही हो रहा है। 3 मेरे पास ब्लिजार्ड का PP बचा, क्या कर लेगा भी यार, ये काम कर जाए काश। थोड़ा फैन मेड मूवमेंट हो जाता है ना, तो थोड़ा बहुत बेकार लगता है मेरे को, बहुत ऐसे बहुत डर लगता है मेरे को। देखा इतना तो यार वालों मैं नहीं इस्तेमाल करता यार, मेरा सारा ब्लिजार्ड का PP ख़त्म हो गया लगभग। अरे मेरे पास कुछ नहीं बचा यार, लगता है मैं हार ही जाऊँगा, बट कोई नहीं, तुम्हारा भाई कोशिश पूरी करेगा, क्योंकि तुम्हारे भाई ने क्या नहीं सीखा, हार मानना। इसको बुलाता हूँ, आई थिंक काम कर जाए इसका स्लिप पाउडर, कि मेरे दोस्तों ने कुछ मेरे को कभी धोखा नहीं दिया। तो मार के देखता हूँ मैं इस पर एक बार, कि हाइपर भी मे भी मारते हैं, मैंने देखा इनको कई बार मारते हुए। देख रहे हो आउटरेज, आउटरेज देखो उसका मस्ट रिचार्ज, आउटरेज मारो भैया, तुम आउटरेज ही आते हो तुम्हें मारना। चलो हाइपर भीम का मेरा काफ़ी PP भी जो ख़त्म हो चुका था। तो यहाँ 54 लेवल के मेरे ड्रैगनर को हरा दिया है इसने, एरोडक्टाइल आ रहा है। पिकाचू बाबा कहाँ है, रायचू बाबा कहाँ है, मतलब तो रायचू का मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे क्यों बुला रहा हूँ। एरोडक्टाइल एक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है, जिसके खिलाफ उसका थंडरबोल्ट, 6 थंडरबोल्ट मेरे पास बचे हुए हैं खाली। तो मतलब अगर जो उसका गैरी का पिजियोट या चार्जोर्ड आता है तो उसको हराना मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। तो यहाँ पे ड्रैगनियर है, ड्रैगनियर आ रही है, तो उसके लिए मैं एक बार फिर से आई थिंक विनसोर का इस्तेमाल करके देखता हूँ। भले उसका हाइपर बीम खत्म हो गया, लेकिन सोलर बीम जिंदा है। तो आप लोग सोच रहे हो मेरा कंडीशन तक क्रिटिकल हो गया है, क्योंकि आप लोग सोच नहीं सकते। देखो इसी बात को डर था ना, जिस बात को डर रहता है अक्सर वही हुआ करता है। तो देखो भाई लोग ये इसने जो कहा है ना, उसके बाद मुझे बहुत गुस्सा आ रही है। ये पैरालाइज मेरे को कम अच्छा लगता है, बहुत कम अच्छा लगता है यार पैरालाइज से। देखो अटैक मेरा कितना मिस हो रहा है, ये मेरे को बहुत बात बेकार लग रही है। पार्शली प्रोटेक्टेड थी, अब रुको एक बार, मेरा ये बस मर ना जाए मेरा, किस तरह हार्ट इटसेल्फ कर ले बस। हाँ चलो बस इसकी ऐसी मारूँ एक बार, मैं और किस्मत आज मारा हूँ अपनी। तो जिस बात का मुझे डर था वही हुआ, तो हाइपर बीम, तो कोई नहीं, मेरे पास अभी बाकी पोकेमॉन भी जिंदा है। इसको ब्लॉक देखता हूँ एक बार, आई थिंक ये कोई चमत्कार कर दें। ओवर हीट इसका भी मैं मार के देखता हूँ एक बार, शायद से कुछ चमत्कार करते नहीं क्या यार। तो आइस टाइप के खिलाफ ये ताकतवर पड़ रही है, तो रुको रुको एक सेकंड फायर ब्लास्ट मार देता हूँ, इतना कम कर दिया तो और भी कम कर देगा, इसका मुझे विश्वास है। स्नैप डॉट कॉन्फ्यूजन ठंडे पे, ये पैरालाइज वाली चीज़ मेरे को कम अच्छी लग रही है, बहुत कम अच्छी लग रही है यार मेरे को पैरालाइज वाली चीज़। कोई नहीं, मेरी आखिरी उम्मीद जो है वो मेरा रायचू है, वो मेरा रायचू अभी भी जिंदा है आखिरी उम्मीद। मैं सोचा था इसको ख़त्म कर देना तो सही रहेगा, फिर यार मैं आगे पोकेमॉन बुला सकता हूँ कोई सा।
इसको मैं सारे पोकेमोन के मैप देख खत्म करूँगा। रुको रुको, ये तो कुछ चमत्कार दिखाई देगा, क्योंकि ये मेरे को आज तक इसने कभी धोखा नहीं दिया है। ये मेरा कैसा पोकेमोन है, भले ही कितना भी कम लेवल पर आओ, लेकिन इस बंदे ने मेरे को आज तक धोखा नहीं दिया है। आज भी मुझे इससे यही उम्मीद है। तो इसने भी धोखा दे दिया क्या? देखा मैंने क्या कहा था, इसने मुझे आज तक धोखा नहीं दिया, लेकिन आज लग रहा है देने के मूड में। दे दिया इसने भी। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो साला। धोखा, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है, मैंने इसको ट्रेन भी नहीं किया। अब माचो की बारी है खाली। माचो को तो देखते ही पगला गया ये। क्रॉस चॉक मार के देखता हूँ। मैं 15 मिनट का मैंने वीडियो कर दिया इसके चक्कर में, मैं देखता हूँ क्या होता है। ओ भाई लोग, फाइनली ड्रैगनाइट खत्म हो गया इसका। इसके कौन सा पोकेमॉन पड़ा? ड्रैगनाइट एक फैंग टाइप पोकेमॉन है। रुको यार, मैं थोड़ी सी उम्मीद चिंता है अभी इस समय भी। और ड्रैगनाइट इसका लास्ट पोकेमॉन है, तो आई थिंक मैं इसको खत्म कर सकता हूँ। थंडरबोल्ट भी है मेरे पास 5, तो काशी पैरालाइज हो जाए तो मज़ा आ जाए। और मैं पिकाचू मारी ना बस, अरे मैं जीत जाऊँगा भाई, तुम चिंता मत करो। तुम्हारा भाई जीतता है, जीतता ही रहेगा। किसी की हिम्मत नहीं है कि तुम्हारे भाई को हरा दें, कि तुम्हारा भाई बचपन से जीतता आया था और अब भी जीतेगा। और मैंने हार माना तो कभी सीखा ही नहीं ज़िंदगी में, तो ये कैसे हो सकता है कि मैं आज हार जाऊँ? तुम्हारा भाई पहले भी मस्ती में था, अब भी मस्ती में। देखो तुम्हारा भाई जीत चुका है, कोई बात की दिक्कत नहीं। 2877 लेवल पर पहुँच गया राइचू, लैंस को भी हरा दे तुम्हारे भाई ने। देखो पहले तुम तुम्हारे आज की वीडियो को मैं भी ख़त्म कर दूँ, क्योंकि पोकेमॉन की हो चुकी है ऐसी तैसी। तो आज की वीडियो मैं भी खत्म कर, अगर आपको वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आप लोग बताना मुझे कमेंट बॉक्स में तुम्हारे भाई की फाइट कैसे लगी तुम लोगों को, और तुम्हारे भाई की जो प्रैक्टिस है जिससे तुम्हारा भाई इस लेवल तक आया है, वो आप लोगों को कैसी लगी। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं जानता हूँ मैंने 8 दिन बाद वीडियो डाली, लेकिन भाई लोग वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप लोग भी हमें सपोर्ट करना। भले ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तभी लाइक करना, और अगर आपको चैनल अच्छा लगता है चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जानता हूँ वीडियो लंबी हो चुकी है, बट वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मजा आया मुझे भी, और उम्मीद आपको भी मजा आया होगा। तो बाय बाय टाटा, सी यू, एक बार फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में, और उम्मीद है उस वीडियो में मैं चैंपियन को बीट कर पाऊंगा।